हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरी शंकर, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। ये आपका जो टेस्ट सीरीज, माइनर टेस्ट सीरीज जो चल रही है आपकी, इसका ये जो टेस्ट पेपर है, 14 पेपर होने थे, उसका लास्ट पेपर है 14 नंबर, और टॉपिक है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपका नीट के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नीट एग्ज़ाम के लिए, और इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। इस पेपर में कोशिश ये की गई है कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट एक बार रिव्यू हो जाएं और आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विच आर एट द टेम्परेचर 27 एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देखिए 27 एंड 227, तो पहले आप T1 इज इक्वल टू 27 प्लस 273 कर लो, ये आ जाएगा 300, और दूसरा हमारे पास जो T2 आया ये कितना हो गया 127 प्लस 273, ये हो गया आपका 400। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, h/√3 mkt होता है। तो यहाँ से क्या गया, लेमडा 1/λ2 इज इक्वल टू √m2 t2/m1 t1। तो लेमडा 1/λ2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, हीलियम, हीलियम का मास 4, और यहाँ पे ये कितना हो गया 400/2 × 300। सॉल्व कर लो, वी गेट द आंसर √8/3। कैलकुलेशन आपको करना है, आप कर लोगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन द रिएक्शन गिवन बिलो 86A 222 एंड 84 210, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड। यहां पे कह रहा कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल इमिटेड होंगे। तो जब भी कभी अल्फा पार्टिकल की बात आए तो हम लोग मास नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। तो मास नंबर का डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास 12, और कितने से डिवाइड करना है, 4 से। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आ गया, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गए 3। अब जब 3 अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल जाएंगे 86A 222 से, जब 3 अल्फा पार्टिकल जब इमिट हो जाएंगे तो 3 × 2 = 6, मतलब ये आ जाएगा 80B 210 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या दे रहा है, ये आ रहा 84, ये क्या आ रहा 84B 210। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट हो गया, 4 का इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर 4 अल्फा पार्टिकल और इमिट हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 3α + 4β। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE इन nth बोर ऑर्बिट इज द। इसका आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। इस क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सर्फेस ऑफ सम मटेरियल इज रेडिएटेड इन टर्न बाई द वेव लैम्डा इज इक्वल टू 3.4 × 10⁻⁷ मीटर एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5.4 × 10⁻⁷ मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन बोथ ऑफ द केसेज 2:1, देन फाइंड द वर्क फंक्शन। तो देखो, आपको मालूम है कि ई वी नॉट इज इक्वल टू SC/λ − 5 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2E/E इज इक्वल टू SC/λ1 − 5 SC/λ2 − 5। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, 2SC/λ2 − 2 φ इज इक्वल टू SC/λ1 − 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2SC/λ2 − SC/λ1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5। HC कॉमन ले लो, 2/λ2 − 1/λ1 इज इक्वल टू 5। HC की वैल्यू रख दो 6.6 × 10⁻³⁴, C की वैल्यू रख दो 3 × 10⁸, 2, लेमडा 2 की वैल्यू रख दो
5.4 into 10 raised to power minus 7 minus 1 upon 3.4 into 10 raised to power minus 7. इसको सॉल्व कर लो तो क्या निकल आएगा, 5 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो जो 5 की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा. बाद में जो भी वैल्यू आए इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, आप इसको डिवाइड आप कर लीजिएगा. ओके, ये जूल में आएगा, ये जो फाई की वैल्यू आएगी ये जूल में आएगी, और जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब 1.6 इंटू 10 रेस पावर माइनस 19 से बाद में डिवाइड कर दीजिएगा, तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टी इज इक्वल टू 20 डेज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिके इन 2 मंथ. 2 मंथ की बात कर रहा है कि कितना डिके हो जाएगा. तो देखो, पहले मान लिया 100 था, 100 में डिके हो गया, 50% डिके हो गया, कितना 20 डेज में बचा, कितना बचा, कितना 50 बच गया. और फिर अगले 20 डेज में फिर इसका 50% गया, 50% फिर निकल गया, मतलब बचा कितना आपका 25. फिर कितना डेज हो गया, 20 डेज. फिर 20 डेज में कितना चला गया, फिर आधा रह गया इसका, 50% चला गया, कितना बच गया, 12.5% बचा. तो ये हमारे पास 2 मंथ हो गए, तो कितना डिके हो गया, इसमें से इतना आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 87.5%, ये आपका डिके हो जाएगा. ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग इक्वल एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या कह रहा है, एनर्जी इक्वल है, द रेशियो ऑफ लेमडा फोटोन टू लेमडा इलेक्ट्रॉन. तो देखो, लेमडा फोटोन एच अपॉन सी एम, ये मोमेंटम हो गया, ये लेमडा हो गया, और लेमडा इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, एच अपॉन रूट टू एम ई. दोनों को डिवाइड कर लो, हमारे पास ये आ जाएगा आंसर 3rd. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू. तो ये आपको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन l इज इक्वल टू e अपॉन 2m होता है, मतलब m प्रोपोर्शनल टू l हो गया, और l इज इक्वल टू क्या होता है, nh अपॉन 2π होता है. इसका मतलब एल प्रोपोर्शनल टू एन आया, इसका मतलब एम प्रोपोर्शनल टू एन. चेक कर लो आंसर कौन सा बैठ रहा है, आंसर नंबर 1st. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेमडा वन एंड लेमडा टू आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन एंड पास्चन सीरीज रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द लेमडा वन रेशियो लेमडा टू. तो देखो, लाइमन के लिए क्या होता है, लाइमन के लिए 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3R/4. फिर
पाश्चन के लिए, पाश्चन के लिए देख लो, वन अपॉन लेमडा टू इज इक्वल टू आर लाइमन बामर पाश्चन, थर्ड में आ गया, तो थ्री का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व करेंगे आ जाएगा सेवन आर बाई 144। दोनों का रेशियो ले लो, फिर लेमडा वन बाई लेमडा टू आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, फिर देखिए आंसर क्या आएगा। वन अपॉन लेमडा वन अपॉन वन अपॉन लेमडा टू, थ्री आर बाई फोर अपॉन सेवन आर बाई 144 कैंसिल हो गया। चार से इसको कट करो, थर्टी सिक्स आया, मल्टीप्लाई करो ये आ गया 108 अपॉन 7, ये आया हमारे पास लेमडा 2 बाई लेमडा 1, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 108, तो 7 अपॉन 108 दैट ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज आर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट। देखो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू होल स्क्वायर, तो आर अपॉन आर टू इज इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन टू होल स्क्वायर, आर टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू फोर आर, आंसर नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड ऑन दिस देन द व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो फाई हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। के मैक्सिमम आपको मालूम है एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई, एस सी अपॉन लेमडा क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लोग करें तो ये होता है 12,400 अपॉन सीधा एंगस्ट्रॉम में ये रख दो 4000 माइनस फाइव कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉल्व कर लो हमारे पास क्या आ जाएगा, लगभग ये 3.1 आएगा माइनस 2.5 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी होता है, तो कितना हो गया 12.27 अपॉन रूट ऑफ 10 इंटू 10 रेस पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस पावर माइनस 19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आता है 0.12, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 0.12 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो क्वेश्चन 15 तक आपके हो गए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड टू द सेकेंड ऑर्बिट द वेव लेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ द
नेटवर्क कांस्टेंट इज गिवन एज। देखिए थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, थर्ड से सेकंड में, तो वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन टू स्क्वेयर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वेयर। तो वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू हो गया आर वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन, तो आर इज इक्वल टू आ गया, सॉरी जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 36 अपॉन 5 आर। आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द सर्टेन मटेरियल ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू इन 2 आवर्स, देन व्हाट इज द हाफ लाइफ। आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है एन इज इक्वल टू एन जीरो वन अपॉन टू रेस टू द पावर एन होता है, तो एन कितना है, एन जीरो बाई सिक्सटीन इज इक्वल टू एन जीरो वन बाई टू रेस टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर। टी इज इक्वल टू कितना होता है, एन टी हाफ होता है। टी कितना दिया हुआ है, टू आवर्स, टू आवर्स मतलब 120 मिनट, एन हो गया फोर इंटू टी हाफ, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 30 मिनट। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज हाउ मच टाइम, 15 ग्राम विल डिके फ्रॉम द 16 ग्राम। मतलब 1/16 पार्ट निकल गया, कितना निकल गया, 1/16 पार्ट फिनिश हो गया। तो मान लिया पहले 1 था और 1 का 1/2 पार्ट गया, कितनी दिन में गया, 140 डेज में। फिर इसका हाफ चला गया 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये 1/4 गया, फिर आगे कितने दिन लगे, 140 डेज लगे। फिर 1/2 का क्यूब चला गया, फिर 140 डेज लगे, मतलब क्या आ गया, ये आ गया 1/8। अब फिर 1/2 पावर 4, तो कितना हो गया, 1/16 पार्ट, तो ये कितना हो गया, फिर 140 डेज लग गया। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल काउंट कर लो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 560 डेज। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए जेड एक्स ए दिया हुआ है, यहां पर आगे जेड माइनस टू, यहां पर आगे जेड माइनस फोर, तो एक अल्फा निकल गया। अब यहां से देखिए, यहां पर एक ये बढ़ गया, एक बढ़ने मतलब क्या, बीटा निकला होगा। यहां पर देखो अब रेस्ट कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये गामा हो गया, इसका मतलब एक अल्फा निकला, एक बीटा निकला और एक गामा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट देखो, द स्लोप ऑफ द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वेव वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन बाय ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव होता है, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइव अपॉन ई। अब वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से कंपेयर कर लो, तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया हमारे पास एम इज इक्वल टू एच अपॉन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली सक्सेसिवली इल्यूमिनेट ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 0.5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द
मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ठीक है, तो देखो के मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है ई माइनस फाइव, कितना हो गया ई माइनस फाइव। तो के वन कितना आ गया ई वन माइनस 0.5, कितना आ गया ये हो गया 0.5। अब के टू निकाल लो, ये 2.5 माइनस 0.5, ये कितना हो गया 2। तो के वन अपॉन के टू निकाल लो, 0.5 अपॉन 2 कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/4। एंड के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है, तो वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट के वन अपॉन के टू, तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। आंसर विल बी 1/2, ये आंसर आएगा 1/2, 1:2। क्वेश्चन नंबर 22, ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज साइमल्टेनियसली बाई टू प्रोसेस ए एंड बी विद हाफ लाइफ 1/2 एंड 1/4 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फॉर फर्स्ट हाफ आवर इट डिके विद द प्रोसेस 1/4, देन द नेक्स्ट वन आवर विद प्रोसेस बी एंड फाइंड द फर्दर हाफ एन आवर विद बोथ ए एंड बी। इफ ओरिजिनली देयर वेयर एन जीरो न्यूक्लियाई, देन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 2 आवर्स। तो देखो आफ्टर फर्स्ट हाफ आवर, ये इसके लिए मतलब वन टाइम पीरियड के लिए, कितना बच गया n0/2। नेक्स्ट वन आवर इसका जो टाइम हाफ लाइफ टाइम है वो 1/4 है, तो यहां से t इज इक्वल टू क्या होता है, एन टी ऑफ होता है n 1/4। तो अब कितना बचा आफ्टर वन आर, नेक्स्ट वन आर इतना बचा हुआ था और 2 पावर n मतलब 2 पावर 4 और आ गया, कितना हो गया n0/2। अब नेक्स्ट में क्या हो गया, दोनों मिक्स हो गए, तो मिक्स हो गए तो अब जो t हाफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4, यह आ जाता है 1/6। फर्दर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब कितना हो गया, हाफ एन आवर का मतलब हो गया इसके 3 पार्ट, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब यहां से एन इक्वल टू कितना हो गया 3। इनिशियल अपने पास ये बचा हुआ है, तो अब हमारे पास जो n आएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n0/2^5 अपॉन 2^3, कितना आ जाएगा n0/2^8। चेक कर लो आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, n0/2^8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज विजिबल रीजन। तो बामर सीरीज में हमारे पास क्या आता है, विजिबल रीजन आता है, लाइमन बामर पाशन बेकेट फंड में हमारे पास विजिबल रीजन है, दैट इज इन बामर सीरीज। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, देखिए यहां पर कितना आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू होता है
माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। नॉक आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो मतलब हमें क्या कितना चाहिए 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो ब्रैकेट 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, यह आ जाएगा आर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 25 मीन्स 9 आर अपॉन, यह आ गया 25। फिर लेमडा 2 देखो कितना आएगा आर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, तो यह आ जाएगा लेमडा 2 इज इक्वल टू आर अपॉन 16 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ये 20 ये 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, 1 अपॉन लेमडा 2 1 अपॉन लेमडा 1 अपॉन 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू 9 आर अपॉन 25 इंटू 16 अपॉन आर अपॉन 16, 16 से 16 के आर से आर गया, यह आ गया 9 अपॉन 25, यह आएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 क्या आ जाएगा 25/9। नेक्स्ट देखो बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी, तो ये लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन रूट टू एम के, तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 अपॉन रूट के, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ के 2 बाई के 1, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। विच कंजर्वेशन लॉ इज ओबेड इन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है, दिस फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द ग्राफ बिटवीन द नंबर ऑफ डिकेड एटम एन ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, एन इज इक्वल टू एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी होता है फॉर्मूला, तो एक्सपोनेंशियली डीके होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। द सेकेंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज हैविंग वेवलेंथ दिस वन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज 29। देखो सेकेंड लाइन बामर सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन बामर सीरीज का पूछ रहा है,
तो बामर के लिए आते हैं हम लोग, वन अपॉन लेमडा आर वन अपॉन टू स्क्वेयर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वेयर, ये होता है फर्स्ट के लिए। वन अपॉन लेमडा वन इज इक्वल हो जाएगा आर वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन नाइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइव अपॉन थर्टी सिक्स आर, तो लेमडा वन हो गया हमारे पास थर्टी सिक्स अपॉन फाइव आर। सेकेंड सीरीज के लिए पूछ रहा है वन अपॉन लेमडा टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन टू स्क्वेयर माइनस वन अपॉन फोर स्क्वेयर, ये हो जाएगा आर सिक्सटीन माइनस फोर अपॉन सिक्सटी फोर, ये हो जाएगा फिफ्टीन आर अपॉन सिक्सटी फोर। तो जो लेमडा वन आया यहाँ से, लेमडा टू का कितना आया 64 अपॉन 15 आर, तो लेमडा वन अपॉन लेमडा टू कितना आ गया 36 अपॉन 5 आर अपॉन 64 अपॉन 15 आर। आर से आर कैंसिल, इससे 3 कैंसिल, लेमडा वन बाई लेमडा टू इज इक्वल टू 36 इंटू 3 अपॉन 64, तो लेमडा टू आपको दिया हुआ है, लेमडा वन आपको कैलकुलेट करना है। तो लेमडा वन इज इक्वल टू कितना हो गया 36 इंटू 3 अपॉन 64 इंटू लेमडा टू, लेमडा टू क्या दिया हुआ है 4861। इसको सॉल्व कर लोगे हमारे पास ये आ जाएगा 6563। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम एमिट द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, जब लेमडा कम हो, या ये समझ लो कि जो एनर्जी गैपिंग है वो ज्यादा हो। तो यहां पर एन इज इक्वल टू वन से टू के लिए एनर्जी गैपिंग बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन हैविंग एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी। देखो P इज इक्वल टू यू अपॉन सी होता है, P इज इक्वल टू यू अपॉन सी, यू कितना है 1 इंटू 1.6 इंटू 10 एस पावर माइनस 19 जूल में आ गया, और सी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज पावर 8, थर्टीन है, मेगा है, तो मेगा में क्या हो गया 10 रेज पावर माइनस 13 आएगा। तो ये सॉल्व कर लो, मेरे पास पी इक्वल टू क्या जाएगा 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 22, आंसर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लें, जो वेवलेंथ है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव, ई वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 12400, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो, और ये हो गया हमारे पास 5000 माइनस 5 कितना हो गया 1.9। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.58।
नेक्स्ट देखिए, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द फोटो करेंट एंड द एनोड पोटेंशियल फॉर द फोटो सेंसिटिव सर्फेस, थ्री डिफरेंट रेडिएशन आई ए आई बी एंड आई सी बी द इंटेंसिटीज एफ ए एफ बी एंड एफ बी द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द कर्व्स, देन व्हाट बी द वैल्यू। देखो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखो इस वाले ग्राफ में, तो ए और बी के लिए दोनों के लिए हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर इसके लिए करंट अलग है, इसके लिए करंट अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग है, सो आंसर विल बी फर्स्ट, ये फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ द जर्मेनियम जी ई न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड बाय द ट्वाइस द रेडियस ऑफ द 4B9, देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन जी ई। देखो R इज इक्वल टू आर जीरो ए पावर 1/3 होता है, मतलब R प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3, मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, इधर क्यूब कर दें तो कितना हो गया, R अपॉन 2R पावर 3 इज इक्वल टू 9/A2, ये 9 है बेटा, A2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 72। नेक्स्ट, द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेज इन 9 years टू 1/3 ऑफ द इनिशियल एक्टिविटीज, देन आफ्टर नेक्स्ट 9 years, तो नेक्स्ट 9 years का मतलब क्या हो गया, 2, तो पावर 2 आ जाएगा, तो A0/9 हो जाएगा। द रेडियो एक्टिव हैविंग द रेडियो एक्टिव मटीरियल हैज ए मीन लाइफ ऑफ 1620 ईयर एंड 400 ईयर फॉर एल्फा एंड बीटा मिशन रिस्पेक्टिवली, द मटीरियल डीके बाय द साइमल्टेनियस एल्फा एंड बीटा मिशन, द टाइम इन विच 1/4 ऑफ द मटीरियल रिमेन्स इंटैक्ट। देखो ये होता है आपका लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 + λ2 होता है, एंड 1/T इज इक्वल टू 1/T1 + 1/T2, तो 1/T कितना हो गया, 1/T1 कितना है, ये है 1620 और ये है आपका 405, इसमें कर लें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी कर लें 4 से मल्टीप्लाई, तो 1/T कितना हो गया, 5/1620, तो टी हमारे पास क्या आ गया, 324, ये आ गया 1/4 ऑफ द मटेरियल रिमेन्स इंटैक्ट। अब देखो लेमडा इज इक्वल टू 1/T होता है, यहाँ से वैल्यू रख दिया, आपको मालूम है T½ इज इक्वल टू log E2/λ, तो यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू रख दो, log E2 की वैल्यू रख दो, तो हमारे पास T½ निकल आएगा और ये आता है अप्रॉक्सीमेट 449 ईयर्स। नेक्स्ट देखो बेटा, इन वन एवरेज लाइफ द फ्रैक्शन F1 ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज इन 1/2 लाइफ, इट F2 फ्रैक्शन डिकेज इन, देन F1/F2 इज, F1 और F2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने हैं। देखो F इज इक्वल टू N₀ - N/N₀ 1 - e⁻⁺ λT।
तो एफ वन अपॉन एफ टू क्या आ जाएगा, वन माइनस ई पावर माइनस लेमडा वन टी वन अपॉन वन माइनस ई पावर माइनस लेमडा टू बाई टी टू। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, लेमडा इंटू वन अपॉन लेमडा वन माइनस लेमडा, और ये हमारे पास हो गया लॉग टू अपॉन लेमडा। पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आ जाता है 1.3। विच ऑफ द फॉलोइंग बी डिटेक्टेड बाई द मैग्नेट, फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड, कैन बी डिटेक्टेड, तो बीटा किरणों को डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सारी की सारी हमारे पास डिटेक्ट नहीं की जा सकते। नेक्स्ट देखो, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ टू आवर्स इमिट रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी विच इज 64 टाइम्स द परमिसिबल लेवल, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली विद इन द सोर्स। देखो तो परमिसिबल लेवल हमारे पास क्या है, मान लिया एन जीरो है, इंटेंसिटी जो है वह 64 R0, ठीक है। अब ये 64 R0 अपॉन 2^n इज इक्वल टू, तो यहां पर एक बात देखो, 64 है, 64 का मतलब हो गया हमारे पास 2^n, अगर करेंगे 64 को तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 एंड 64, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, और हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 2 आवर्स, तो कितना हो गया हमारे पास, 12 आवर्स आ गया। तो टी इज इक्वल टू कितना करते हैं, एन टी हाफ करना है, आंसर विल बी 12 आवर्स। एन एलिमेंट डिके टू एन एलिमेंट सी बाई 2 स्टेप्स, यहाँ पर ये देखिए और ये देखिए, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है, सो ए एंड सी आर आइसोटोप्स। नेक्स्ट, द टू पार्टिकल आर मास एम एंड 2m हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर इन रेशियो। देखो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है, तो लेमडा 1/λ2 इक्वल टू √m2/m1। तो m और 2m है, तो कितना है, m और 2m है, तो √2:1 आ जाएगा। फोर्टी टू में देखिए क्या कह रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूटॉन विच हैविंग द काइनेटिक एनर्जी के इज लेमडा, वॉट बी इट्स वेव लेंथ वेन काइनेटिक एनर्जी इज 4k। देखो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m k लिख सकते हो, तो यहां से लेमडा 1/λ2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k2/k1 हो गया, या लेमडा 1/λ2 इज इक्वल टू √k2/k1 हो गया। सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा 2।
क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट देखिए, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाई द सोर्स ऑफ लाइट विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेल। इफ द डिस्टेंस बिकम्स डी बाई टू देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, डी बाई टू हो रही है, मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई डैश विल बी इक्वल टू 4 times। नेक्स्ट देखो, एनर्जी लेवल ए बी एंड सी ऑफ द सर्टेन एटम्स आर करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग वैल्यू दैट इज इक्वल टू ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी, लेमडा वन लेमडा टू एंड लेमडा थ्री आर द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन सी टू बी, बी टू ए एंड सी टू ए रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो जी, हमारे पास है ई ए, ये मान लिया है ई बी, और ये मान लिया हमारे पास ई सी। एक ये हो रहा ट्रांजिशन ए से सी पे, ठीक है, दूसरा एक ये हो रहा और एक ये हो रहा, तो देख लो एनर्जी किसकी कम है, ए की एनर्जी कम है, सी की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो अब ये हो गया लेमडा थ्री, ये हो गया लेमडा टू, ये लेमडा वन, टोटल एनर्जी एस सी अपॉन लेमडा थ्री इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा वन प्लस एस सी अपॉन लेमडा टू। तो लेमडा थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा वन लेमडा टू अपॉन लेमडा वन प्लस लेमडा, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हाइड्रोजन एटम इमिट्स ए फोटॉन इन गोइंग फ्रॉम एन इज इक्वल टू 5 टू एन इज इक्वल टू 1 देन व्हाट बी इट्स रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एटम इमिट कहाँ से कर रहा है एनर्जी, एन इज इक्वल टू 5 से एन इज इक्वल टू 1 तक, तो ई एन इज इक्वल टू कितना होता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर होता है, तो -13.6 अपॉन 5 स्क्वायर, ई टू निकाल लिया हम लोगों ने, -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, इससे हम लोगों ने डेल्टा ई निकाल लिया, डेल्टा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन करके एनर्जी निकाल लिया। अब देखो उस हाइड्रोजन एटम के लिए और जो फोटोन इमिट हो रहा, दोनों के मोमेंटम क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, मतलब लेमडा इज इक्वल टू पी फोटोन इज इक्वल टू पी, वही जो हाइड्रोजन एटम है, तो एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम वी, वी इज इक्वल टू कितना हो गया एच अपॉन एम लेमडा, इसको हम लोग डेल्टा ई अपॉन लिख सकते हैं। अब डेल्टा ई की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दो, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जो भी आपका टेस्ट सीरीज 14 था, ये पेपर आपका बेटा कंप्लीट हो गया। ओके, गुड लक, जय जय सेल सी। इफ द डिस्टेंस बिकम्स डी बाई टू देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अब ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, डी बाई टू हो रही है, मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई डैश विल बी इक्वल टू 4 times. नेक्स्ट देखो, एनर्जी लेवल ए बी एंड सी ऑफ द सर्टेन एटम्स आर करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग वैल्यू दैट इज इक्वल टू ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी, लेमडा वन लेमडा टू एंड लेमडा थ्री आर द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन सी टू बी, बी टू ए एंड सी टू ए रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. देखो जी, हमारे पास है ई ए, ये मान लिया है ई बी, और ये मान लिया हमारे पास ई सी. एक ये हो रहा ट्रांजिशन ए से सी पे, ठीक है. दूसरा एक ये हो रहा और एक ये हो रहा. तो देख लो, एनर्जी किसकी कम है, ए की एनर्जी कम है, सी की एनर्जी सबसे ज़्यादा है. तो अब ये हो गया लेमडा थ्री, ये हो गया लेमडा टू, ये लेमडा वन. टोटल एनर्जी एस सी अपॉन लेमडा थ्री इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा वन प्लस एस सी अपॉन लेमडा टू. तो लेमडा थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा वन लेमडा टू अपॉन लेमडा वन प्लस लेमडा, आंसर विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हाइड्रोजन एटम इमिट्स ए फोटोन इन गोइंग फ्रॉम एन इज इक्वल टू 5 टू एन इज इक्वल टू 1, देन व्हाट बी इट्स रिक्वायर्ड वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एटम इमिट कहाँ से कर रहा है एनर्जी, एन इज इक्वल टू 5 से एन इज इक्वल टू 1 तक. तो ई एन इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर होता है. तो माइनस 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर, ई टू निकाल लिया हम लोगों ने, माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर. इससे हम लोगों ने डेल्टा ई निकाल लिया, डेल्टा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन करके एनर्जी निकाल लिया. अब देखो, उस हाइड्रोजन एटम के लिए और जो फोटॉन इमिट हो रहा, दोनों के मोमेंटम क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे. मतलब लेमडा इज इक्वल टू पी फोटॉन इज इक्वल टू पी, वही जो हाइड्रोजन एटम है, तो एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम वी. v इज इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन m लेमडा. इसको हम लोग डेल्टा e अपॉन लिख सकते हैं. अब डेल्टा e की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा. इस तरीके से हम लोग ये जो भी आपका टेस्ट सीरीज 14 था, ये पेपर आपका बेटा कंप्लीट हो गया. ओके, गुड लक, जय जय सी एल सी.